एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पोएम द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन बेसिकली एक अमेरिकन पोएट है एंड ये जो है ज़्यादातर फेमस हुए थे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जब उनकी जो पब्लिकेशन थी जिसमें उनकी बहुत सारी पोएम्स थी, दैट इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स, वो बेसिकली पब्लिश हुई थी। सो उन्हीं की ये पोएम है द बॉल पोएम। सो इससे पहले कि मैं आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूं, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो पोएम है ये बात कर रही है कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमें बहुत दुख होता है, चाहे किसी के लॉस का हो, चाहे किसी के रिलेशनशिप का लॉस हो, इन सारी चीज़ों से हम किस तरीके से स्टैंड अप करते हैं, कैसे हम अपना एक ब्रेव फ्रंट रखते हैं, वही जो है इस पोएम के थ्रू हमें बताना चाहते हैं द पोएट। सो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिया है एक छोटे से बच्चे का जिसकी बेसिकली बॉल खेलते खेलते पानी के अंदर गिर जाती है एंड देन वो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो वहाँ पे खड़े होकर उसको देखता रहता है डेस्परेटली कि ये बॉल मेरे पास वापस आ जाए। एंड वहीं दूसरी तरफ ये जो पोएट है वो भी कुछ दूरी पे ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहे हैं। वो इस बच्चे को भी देख पा रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, किस तरीके से उसकी बॉल गिर चुकी है पानी के अंदर। वो सोचते तो ज़रूर हैं कि वो उसके लिए एक नई बॉल ला के दे देते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं इसको एक नई बॉल ला के नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक नई बॉल लेकर दूंगा तो डेफिनेटली इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होगी एंड ये तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक थिंग है उसकी लाइफ में। आगे आगे उसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होने वाले हैं जहाँ पे किसी का भी लॉस, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो उसको डेफिनेटली कोप अप करना पड़ेगा एंड इसलिए ये बेटर होगा कि वो इतनी छोटी सी उम्र में ही सीख जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी एंड देन देखते हैं इसके जितने भी पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हैं एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स स्टार्ट। सो पोएट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर It is in the water. So, ये जो four lines हैं basically इसमें ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो बच्चा है, यहाँ पे already हमने established चीज़ देख ली है, जो scenario कि किस तरीके से इन्हें पता है कि ये जो बच्चा ball के साथ खेल रहा था and इसकी जो ball है वो पानी में जा चुकी है। तो ये question पूछते हैं कि अब ये बच्चा क्या करेगा, What is the boy now? अभी उसे कैसा फील हो रहा है, अब ये बच्चा क्या करेगा जब उसकी फेवरेट बॉल जिसके साथ वो खेलता है वो बेसिकली पानी में गिर चुकी है, What is he to do? क्या करेगा वो? एंड पोएट कहते हैं I saw it go। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पोएट इससे थोड़ी सी दूरी पे खड़े हैं एंड वो नोटिस कर रहे हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं। सो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है। ये लिटरेरी डिवाइस क्या है ये मैं एंड में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने बॉल को बेसिकली एक ऐसी ट्रेट दी है जो बेसिकली हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देते एंड बॉल एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, राइट? तो बॉल तो मेरिली नहीं उछल सकती, राइट? लेकिन फिर भी पोएट ने यहाँ पे इस तरीके से बताया, एक हैप्पी सीन क्रिएट किया था कि इतनी खुशी से इनफैक्ट जो उसकी बॉल थी अप एंड डाउन द स्ट्रीट वो बेसिकली बाउंस कर रही थी एंड देन एकदम से वो पानी के अंदर जा गिरी। नेक्स्ट ही सेज दैट नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स एज अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। सो अब अगेन इनकी नेक्स्ट फोर लाइन्स में पोएट क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस बच्चे को ये बात बोल देता हूँ कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि बहुत सारी बॉल्स हैं तुम्हें जो खेलनी है, जिसके साथ खेलना है खेल लेना, तो क्या उसका कोई फ़ायदा होगा? अब देखो हम सबके बचपन में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बहुत प्यारी होती है, चाहे वो हमारा कोई टॉय क्यों ना हो, राइट? एंड हमें वो ही चाहिए होता है, हमें उसी के साथ खेलना होता है, चाहे उसके जैसे मार्केट में कितने भी टॉयज़ क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें वो एक स्पेसिफिक टॉय पसंद है तो हम उसी के साथ खेलते हैं, हम उसी के साथ अपनी मेमोरीज क्रिएट कर लेते हैं, उसके साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं। तो फिर सिमिलरली ये सिचुएशन हम जब बड़े हो जाते हैं सेम चीज़ होती है। से फॉर इंस्टेंस अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जो कि इरिप्लेसिबल होता है, राइट? सो चाहे कितने ही कोई और लोग क्यों ना हो जो हमारे आसपास हो,
लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ लगता है? उसी इंसान के साथ लगता है। तो यही इसके दो मतलब है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला मतलब जो है वो मैं आपको बता रही हूँ इस बच्चे के पर्सपेक्टिव से कि एक बच्चा है, इसके लिए ये बॉल सब कुछ है। एंड जब हम बड़े हो जाते हैं, सिमिलरली हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं जहाँ पे जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम देखेंगे कि बाज़ार में इतनी सारी चीज़ें हैं या दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हमें वो एक इंसान से ही क्यों इतनी अटैचमेंट है। ये सारी चीज़ें हम बेसिकली बचपन से ही सीखते हैं। सो यही कह रहे हैं, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब ये जो छोटा सा बच्चा है, ऑब्वियसली ये ग्रीफ में है। ग्रीफ मतलब पेन में है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, दुखी है, क्योंकि जो उसकी बॉल है वो पानी के अंदर जा चुकी है। तो ये जो बच्चा है बहुत ही आराम से साइड में खड़ा है एंड देख रहा है उस बॉल को। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। सो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ही स्टैंड्स रिजिड। अब ये बच्चा ऐसे खड़ा है जैसे इसको कोई शॉक लग गया होगा। सो ये वैसे ही वहाँ पे खड़ा है इन द ग्रीफ एंड रिजिड है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, बहुत स्टिफ है, ट्रेमलिंग है, ऑब्वियसली उसको बुरा लग रहा है। उसकी सारी की सारी जो मेमोरीज थी वो उस बॉल के साथ अटैच थी, किस तरीके से वो उस बॉल के साथ खेलता होगा एंड कितना अच्छा टाइम स्पेंड करता होगा, तो ये जो मेमोरीज हैं उससे अटैच थी, तो वो ट्रेम्बल भी कर रहा है, शेक भी कर रहा है, या आप कह सकते हैं एक तरीके से वो शिवर भी कर रहा है। एंड उसके बाद स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। सो हार्बर क्या होता है? बेसिकली हार्बर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो शिप्स वगैरह होती हैं खड़ी होती हैं। तो अब डेफिनेटली सी बात है, अगर वो पानी के पास खेलेगा तो पानी में तो उसकी बॉल जाएगी ही, राइट? लेकिन ऑल हिज यंग डेज का मतलब क्या हुआ? अब उसके यंग डेज, अब यंग डेज में जब ये बॉल इसके पास आई होगी, राइट, जैसे ही नई नई बॉल आई होगी, उसने उसके साथ खूब खेला होगा, बहुत सारी मेमोरीज होंगी, अपने दोस्तों के साथ खेला होगा, मे बी अपने सिबलिंग्स के साथ खेला होगा। सो इतनी सारी जो मेमोरीज थी, इतने सारे ब्यूटीफुल डेज थे जो उसने स्पेंड किए थे, अब वो इस बॉल के साथ पानी के अंदर जा चुके हैं। सो यही बता रहे हैं पोएट भी इसमें। नेक्स्ट इज, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। सो ये जो फोर लाइन्स है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले समझते हैं। सो क्या कह रहे हैं ये, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मतलब इंटरफेयर, मैं उसको जाके उसकी ये जो मोमेंट है जिसमें वो लिव कर रहा है ग्रीफ को, ऑब्वियसली उसको ग्रीफ है, उसको दुख है कि उसकी बॉल गिर चुकी है, ये जो मोमेंट है ये मैं जाके उसको उसमें छेड़ूंगा नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कह रहा है अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, मतलब अ डाइम करेंसी है बेसिकली। सो अगर मैं उसको दे दूंगा, थोड़े पैसे दे दूंगा, नई बॉल दे दूंगा, तो वो वर्थलेस है। एंड हमें पता है वो वर्थलेस क्यों है, वर्थलेस इसलिए क्योंकि उसको तो वही बॉल चाहिए, उसकी मेमोरीज तो उस बॉल से अटैच है ना, बाकी सारी बॉल से तो अटैच नहीं है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। सो वो यही कहते हैं। एंड ये जो लाइन है, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपको क्यों लगता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ किया होगा पोएट ने? देखो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये बॉल, कि उसके साथ उसे अगर खेलना है तो उसका ध्यान भी रखना है उसको। अब ये तो उसकी गलती है कि वो खेल रहा था पानी वाली जगह के पास, तो डेफिनेटली सी बात है जो उसकी बॉल है वो पानी के अंदर गिरनी ही थी। तो यहाँ पे वो उसको इंट्रूड इंटरफेयर इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक इस बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता चलेगी टूवर्ड्स द थिंग्स, चाहे वो बॉल क्यों ना हो, और जब वो बड़ा हो जाएगा कोई ह्यूमन क्यों ना हो या आप कोई रिलेशन क्यों ना हो, तब तक इसको समझ ही नहीं आएगा कि लाइफ में हमें किस तरीके से इन सिचुएशन से डील करना है। दैट इज़ वाई वो इसको कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने आज फील करी है कि मुझे यहाँ पे वॉचफुल रहना चाहिए था, केयरफुल रहना चाहिए था इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब पोजेशंस का यहाँ पे मतलब, सी पोजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग्स भी, पोजेशंस का यहाँ पे पर्टिकुलरली मतलब है मटीरियलिस्टिक थिंग्स। अब इस वर्ल्ड में बहुत सारी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो कि हम सबको पसंद आती है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पसंद आती, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मटीरियलिस्टिक थिंग किसी को पसंद आती है, लेकिन इक्वली रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, लेकिन सेम चीज़
ये रिलेशंस में भी होती है. अगर हम अपने रिलेशंस में भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करते तो भी सेम चीज़ हो सकती है, तो भी जो हमारे रिलेशंस है वो हमसे दूर हो सकते हैं. सो यही जो एक मैसेज है पोएट दे रहे हैं इसके थ्रू. नेक्स्ट इज पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. इसमें इन्होंने बोला है जो नेक्स्ट फोर लाइन्स है कि पीपल विल टेक बॉल्स एंड जो है बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. तो यहाँ पे ये जो बॉल है ये सिर्फ सिग्निफाई उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नहीं कर रही, ये सिग्निफाई कर रही है मे बी उन सारी रिलेशनशिप्स को, मे बी उन सारी चीज़ों को. जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसे समझ आता है कि हमसे कोई भी चीज़ कभी भी कोई छीन सकता है. एंड इन सब चीज़ों को समझने के लिए उसके पास एक एक्सपीरियंस होना या एटलीस्ट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो मनी इज एक्सटर्नल, मनी अलग बात है, मनी चलो एक्सटर्नल है ठीक है. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, मतलब चाहे चलो ठीक है उसकी बॉल पानी में गिर गई, चाहे वो ग्रीफ स्टिकन क्यों ना हो, लेकिन बिहाइंड द डेस्परेट आइज. ये डेस्परेट वर्ड क्यों यूज़ किया उन्होंने, क्योंकि ये बच्चा डेस्परेट है कि ये जो बॉल है इसके पास वापस आ जाए. पोएट यही कह रहे हैं इसमें कि मनी वगैरह तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये सीख रहा है, ये उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप कह सकते हैं उसको रियलाइज हुई है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. एंड आगे जाके इसको ऐसी अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में फ्यूचर में आएगी तो उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा उसकी रियलाइजेशन होना. सो यही वो कहते हैं, डेस्परेट का मतलब यहाँ पे यही है. नेक्स्ट द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. सबसे पहले तो एपिस्टमोलॉजी, एपिस्टमोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है आप कह सकते हैं फिलोसफी की, जहाँ पे किसी चीज़ की नॉलेज होने की बात कर रहे हैं हम. तो वही कह रहे हैं कि द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब लॉस की जो नॉलेज है उसको बेसिकली जो बच्चा है वो लर्न कर रहा है कि हम किसी चीज़ को अगर खोते हैं तो किस तरीके से फील होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, क्या ग्रीफ फील होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये छोटा सा बच्चा सीख रहा है. एंड यही वो कहते हैं हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. अब देखो चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी क्यों ना डिफ़िकल्टीज आ जाए राइट, लेकिन एंड सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो इस चीज़ से कभी मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. लेकिन बेस्ट बात ये होती है कि सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं राइट, अपने लिए दे स्टैंड अप, उन्हें पता होता है कि ये लाइफ है. एंड यही वो कह रहे हैं एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. तो लोग इसी दौरान में बचपन से लेकर जब बड़े हो जाते हैं इस बीच में इन छोटे छोटे इंस्टेंसेस जो आते रहते हैं इन्हीं से सीख जाते हैं कि इन इंस्टेंसेस से अपनी लाइफ को आगे हम कैसे लीड कर सकते हैं, ये एक एग्जांपल बन जाते हैं उनके लिए एंड दे नो हाउ टू स्टैंड अप. सो यही जो मैसेज है पोएट दे रहे हैं थ्रू दिस पोएम. सो इस पोएम की लाइन बाय लाइन समरी तो हमने देख ली, अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ लिटरेरी डिवाइसेस एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेट्स हैव अ लुक. सो ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं. फर्स्ट है आपका एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं दो तीन लाइनों में, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज़ द बॉय नाउ या फिर व्हाट इज ही टू डू. सो यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स हैं व्हाट इज़ या व्हाट, ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं एटलीस्ट दो लाइन्स में तो राइट. सो दिस इज़ द फर्स्ट डिवाइस जो कि है एनाफोरा. नेक्स्ट जो आपका है वो है रेपिटिशन. तो अब आपको आप बता सकते हैं यहाँ पे रेपिटिशन बेसिकली कहाँ पे यूज़ हुआ होगा. सो एनाफोरा जहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिपीट हो रहा है तो हम ये भी देखते हैं कि व्हाट को भी बार बार रिपीट किया जा रहा है. सो रेपिटिशन यहाँ पे भी है. थर्ड आता है आपका इमेजरी. इमेजरी में मैंने आपको बताया था कि पोएम के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है जब मेरिली मेरिली लिखा आता है कि जो बॉल है वो बाउंस कर रही है. अब मैंने आपको बताया था कि बॉल जो है एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, वो खुद मेरिली मेरिली मतलब वो मेरिली थोड़ी ना बाउंस करेगी, वो तो सिर्फ बाउंस ही करेगी. लेकिन यहाँ पे पोएट ने एक इमेजरी क्रिएट करी है कि बॉल भी उतनी ही खुश है इस बच्चे के साथ, वो भी इस तरीके से बाउंस कर रही है हंसते खेलते. ये जो इमेजरी है दिस इज द लिटरेरी डिवाइस.
नेक्स्ट आता है आपका एलिट्रेशन. अब एलिट्रेशन, नो वन बाइज अ बॉल बैक. सो हम देखते हैं बाइज बॉल बैक. सो ये थ्री वर्ड्स क्लोजली प्लेस्ड हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एलिट्रेशन यूज है. एंड इस पोएम में आप देख सकते हैं थ्रू आउट कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं करी गई है. सो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. डेफिनेटली इस पे से क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि वो इंट्रूड नहीं करेंगे इस बच्चे को. सो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप लिखोगे वो चाहते हैं कि उसकी इस मोमेंट में इंटरफेयर ना करें, बिकॉज यहाँ पे वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ को रियलाइज कर रहा है कि उसकी गलती थी ये, वो रिस्पॉन्सिबल था, उसको अपनी बॉल को ध्यान से रखना चाहिए था, लेकिन वो पानी के पास बॉल के साथ खेल रहा था एंड इसीलिए उसकी जो बॉल है वो पानी के अंदर गिर गई नेचुरली. सो फर्स्ट पॉइंट आप यही लिखोगे इसमें, इसीलिए वो नहीं चाहते थे, बिकॉज वो चाहते थे इस बच्चे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो. एंड अगर वो उसको एक नई बॉल लेकर दे देते तो कभी भी इस बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज नहीं होती एंड लेटर इन लाइफ उसको अगेन बहुत, ये तो यहाँ पे सिर्फ बॉल की बात हो रही है, लेटर इन लाइफ जब उसकी लाइफ में ऐसे कोई रिलेशन होता या कुछ भी होता, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी उसे नहीं समझ आता. सो उसके लिए ये लेसन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए ही डिड नॉट इंट्रूड हिम. सेकेंड, मैंने आपको बताया वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब क्या है. मैंने बताया कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत भागता है, राइट? हम सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं कि हमें अच्छे क्लोथ्स चाहिए, हमें अच्छे गैजेट्स चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट? लेकिन ये जो वर्ल्ड है मटेरियलिस्टिक पोजेशंस का, यहाँ से हमसे कोई भी कोई चीज़ छीन सकता है, राइट? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो उस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर्ड है या नहीं है? ये जो वर्ल्ड है जहाँ पे इतनी सारी लग्जरीज हैं, इसके पीछे सभी हैं, लेकिन इस चीज़ के लॉस के लिए क्या हम सब प्रिपेयर्ड है या नहीं? सो यही वो बताना चाहते हैं. ये जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया वो यही था कि ये बॉल तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे जो ये वर्ल्ड है लेने की कोशिश करेगा, एंड वो चीज़ें ऐसी हैं जो आप शायद मनी से भी नहीं बाय कर सकते. एंड दैट इज़ वाई ये जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए, आपको ध्यान में रखने हैं. लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो मैंने आपको बताए दिए हैं, जिनसे रिलेटेड आपके वन मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं. रिमेंबर, पोएट का नाम जो है आप ध्यान से याद रखना, उसको भूलना मत, एंड उसकी जो स्पेलिंग भी है वो भी याद रखना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सो ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा, सो अभी जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को हिट कर लेना. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग.